हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट करंट अफेयर्स शो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले जो लास्ट का सेशन रहा था उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज हमने कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं, क्या है वो या नहीं जी नई चीज़ें चलिए देखेंगे हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए। बट स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे, टॉपिक्स उन पर बेस रहेंगे। तो बढ़ते जरा देखते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज द टैगलाइन ऑफ अ विच बैंक। किस बैंक की टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, या यूं कहें इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। समझिएगा, आपको जो टैगलाइन है वो इंग्लिश में ही याद रखनी है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। देने का मेरा पर्पज है सिर्फ यहाँ पर कि अगर एग्जामिनेशन में इस प्रकार से लिख कर आता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक तो भी सही है, अगर इंडियाज इंटरनेशनल बैंक लिखकर आता है तो भी सही है। कोशिश करिएगा ऐसे ही याद रखने की, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर वन। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। देना बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और यूको बैंक, इन बैंक्स की टैगलाइन क्या है, इन बैंक्स के हेडक्वार्टर क्या है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। समझिएगा क्वेश्चन, ये चार बैंक हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनकी टैगलाइन क्या है, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड या मिजोरम। हरी अब गाइज बताइए कि मानस नेशनल पार्क जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल, असम, इट्स उड़ीसा, उत्तराखंड या मिजोरम। सो आंसर की यहां पर बात करते हैं, वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है तो गाइज मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम जरा देखिए साउंड को थोड़ा इंक्रीज किया जाए। सो यहां पर बात करें तो आंसर की, इट इज लोकेटेड इन दी असम, सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इकरा लिमिटेड। इकरा लिमिटेड का मुख्यालय कहां है, इज इट लोकेटेड इन मुंबई, इज इट लोकेटेड इन दी गुरुग्राम, इज इट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इज इट लोकेटेड इन कोलकाता, या इज इट लोकेटेड इन दी लखनऊ। अरे अब देखिए, जो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये एक नंबर में एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए फोकस किया करिए। यहाँ पर क्वेश्चन है इकरा लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू, ओके ओके, गुरुग्राम। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज द गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर, इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इकरा लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन विच स्टेट सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। सजना खाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, मेघालय, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या गुजरात। देखिए ये तो मुझे लगता नहीं कि आप भूले होंगे, क्योंकि सजना खाली से आपको कल भी हमने याद किया था और याद भी है बिल्कुल। तो आंसर की बात करते हैं, इट इज लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल। सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल यूथ डे। किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, या यूं कहें कौन सा दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12th of February, 12th of January, 12th of August, 12th of March या 12th of April। दो तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, या तो यूं कहें जिस प्रकार से ऑप्शन गिवन है कि डेट दे दी जाती है, मंथ्स चेंज कर दिए जाते हैं, या मंथ सिमिलर भी दे दिए जाए और डेट चेंज कर दी जाती हैं, जैसे 12 है, 14 है, 17 है, 18 है, तो वहां पर हमें टिक करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू दिस फॉर्मेट, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। बट आंसर की बात करें, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द 12th January। 12th January इज ऑब्जर्व एज द नेशनल यूथ डे। आई होप गाइज यहां तक क्लियर होगा। देखते हैं आज का स्टेट कौन सा है, झारखंड। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को गाइज। इसकी कैपिटल की मैं अगर बात करता हूं तो रांची इज द कैपिटल ऑफ द झारखंड, एंड चीफ मिनिस्टर इज द रघुवर दास। जो रघुवर दास है वह चीफ मिनिस्टर है, समझिएगा जरा। द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं झारखंड की, और यहाँ पर चीफ जो झारखंड के गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और रघुवर दास की बात करते हैं तो वह चीफ मिनिस्टर हैं गाइस झारखंड के। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें वह 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं वह 6 है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें, जमशेदपुर इज द लार्जेस्ट सिटी। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल है वही लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल रांची है, जमशेदपुर इज द लार्जेस्ट सिटी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड की वो हिंदी है, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा। जो बैंक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उसके अलावा कोई और एग्जामिनेशन है, चाहे SSC हो, चाहे स्टेट लेवल हो, किसी भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हैं, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट 24, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है, जमशेदपुर लार्जेस्ट सिटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज गाइज हिंदी है, और वह स्टेट जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसमें एक बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अभी मैप के थ्रू भी समझेंगे, बट याद रखिए बिहार है,
उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और वेस्ट बंगाल है, जिसके साथ की झारखंड बॉर्डर शेयर करता है। जरा देखते हैं मैप के थ्रू लोकेशन झारखंड की। जरा टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम किया जाए, वेस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनके साथ की झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, तो आप यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ से। फिर उड़ीसा की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, गाइस बिहार की बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है यह फाइव स्टेट्स हैं जिनके साथ की बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, कि इसके अलावा अगर एक पॉइंट और याद रखिए कि ये लैंड लॉक स्टेट है, ये सभी स्टेट से ही घिरा हुआ है, ये लैंड से घिरा हुआ है। तो एग्जामिनेशन में यूं भी आ जाता है कि झारखंड इज अ लैंड लॉक स्टेट और नॉट, सो गाइस आंसर इज दी झारखंड इज दी लैंड लॉक स्टेट। और यह किन राज्यों से घिरा हुआ है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। देख लीजिए एक बार और, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है और गाइज वेस्ट बंगाल है। अपार्ट फ्रॉम आते हैं कुछ नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, बैतला नेशनल पार्क, बैतला जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, पलामाऊ टाइगर रिजर्व और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सिर्फ यही तीन वर्ड याद रखिए, देखिए कमेंट बॉक्स में भी आप सिर्फ स्टार्टिंग के कीवर्ड्स ही टाइप करते हैं और वही मोर देन इनफ है। बैतला, पलामाऊ, दलमा, बैतला, पलामाऊ, दलमा, ये झारखंड में याद रखिएगा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बाइफरकेट करिए तीन और, हजारीबाग, उदवा लेक और सिंहभूम, 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 एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दी सिंहभूम, हजारीबाग, उदवा लेक और सिंहभूम जो एलिफेंट रिजर्व है, इट इज लोकेटेड इन दी झारखंड। ओके, एक बार और जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गाइज वॉल्यूम साउंड क्लियर है, क्योंकि अभी भी स्टिल कमेंट आ रहे हैं, बट मेरे को जितना लगता है मैक्सिमम जो आंसर आ रहे हैं उसको देखते हुए आपके सभी के लिए साउंड क्लियर है यहाँ पर। ओके, सो गाइज याद रखना है बैतला नेशनल पार्क, पलामाऊ और डलमा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं, हजारीबाग, उदवा लेक और सिंहभूम ये एलिफेंट रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी झारखंड। ठीक है, मैथॉन डैम की बात करते हैं, ये बराकर रिवर पे है। चंदील डैम की बात करें सुवर्णा रेखा रिवर पर है। और गाइस पंचेत डैम की बात करते हैं दामोदर रिवर पे है। स्टार्टिंग करिएगा इन तीनों को याद रखने की, पहले तो नाम मैथॉन, चंदील और पंचेत, मैथॉन, चंदील और पंचेत ये डैम्स हैं, ऑल आर लोकेटेड इन दी झारखंड। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यू बनता है किस रिवर पे है, तो वो याद रखना है मैथॉन डैम बराकर रिवर, चंदिल डैम ऑन द सुवर्णा रेखा रिवर और पंचेत डैम की बात करते हैं गाइज ये दामोदर रिवर पे है। आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं आज हमने क्या नया इंक्लूड करने की यहां पर बात की है। तो यहां से देखिए अभी मॉर्निंग की बात करता हूं, अराउंड 5:30 हो रहे थे तो द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने देखा तो उसमें ये मेरे को हेडलाइन मिली थी और मैंने उसी को यहां पर क्रॉप किया है। पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर दी झारखंड प्रोजेक्ट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन फॉर दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹27,000 करोड़ फ्रॉम सिंदीरी। समझिएगा जरा पॉइंट को, आप अपनी स्क्रीन को जरा फुल साइज कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वह आधारशिला रखेंगे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जिनकी टोटल कॉस्ट रहेगी 27,000 करोड़ फ्रॉम दी सिंदरी, सिंदरी जो कि कह सकते हैं धनबाद में है, सिंदरी इन धनबाद ऑन 25 मई। आज अगर मैं बात करूं तो 24 मई है गाइस, कल की बात हो रही है, कल ये आधारशिला रखेंगे। तो उससे पहले हमें याद रखिए झारखंड के हम फैक्ट लर्न कर चुके हैं, हमें न्यूज के बारे में थोड़ा आइडिया हो चुका है, कल जो भी बातें रहेंगी एडिशनल उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं रघुबर दास, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और वह फाउंडेशन स्टोन रखेंगे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, और वह कहां से रखेंगे, धनबाद की सिंदरी से, और टोटल जो कॉस्ट यहां पर कही गई है 27,000 करोड़ रुपए की। प्राइम मिनिस्टर ले दी फाउंडेशन स्टोन फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के 4 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर वह यहां पर कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आधारशिला रखेंगे। वह प्रोजेक्ट्स क्या है वो गाइस कल देखेंगे, बट इस न्यूज को इंक्लूड करने का मेरा पर्पज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जरा स्क्रीन पर लाया जाए। समटाइम क्या होता है इस प्रकार की न्यूज़ को फ्रेम करना थोड़ा टिपिकल रहता है, क्या फ्रेम करें, यहाँ पर बच्चे भी कहेंगे सर इस न्यूज़ में तो कुछ था नहीं। अब मैंने सोचा है चाहे न्यूज़ में कुछ हो या ना हो, हमें एक लाइफ की जो भी डेली बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कोई आ रहा है विजिट पर, कोई जा रहा है, उनको इंक्लूड किया जाए, चाहे उससे कुछ भी फैक्ट निकले उनको लर्न किया जाए, क्योंकि इंटरलिंक करके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अपनाएंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। तो यहाँ से झारखंड के फैक्ट याद रखिएगा, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं कल विजिट पर रहेंगे और कल उनके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ सर बिल्कुल जो न्यू इनिशिएट लिया है वो पसंद आया है। बढ़ते हैं जरा देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पॉलिश नोवेल फ्लाइट्स हैज वॉन द मैन बुकर प्राइज, पॉलिश उपन्यास फ्लाइट के अंग्रेजी अनुवाद ने मैन बुकर पुरस्कार जीता है। इसकी जो ऑथर हैं उनकी ये फोटो सामने आपको दिख रही है पिक्चर, इनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, इनको ये अवार्ड मिला है।
इस न्यूज़ की बात करूंगा तो मैं 100 नहीं 1000% गाइस कहता हूं। देखिए 1000% होता तो नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि 1000% मैं डेफिनेटली श्योर हूं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ एग्जामिनेशन का पार्ट बनेगी। हर बार मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात करें, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली न्यूज़, उसके बारे में हम समझते हैं। एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पोलिस नोवेल फ्लाइट्स वॉज नेम्ड एज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है उसके लिए किसका यहाँ पर नाम दिया गया था और उन्होंने जीता है, तो वो है पोलिस नोवेल फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर जीता गया है और उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन ने जीता है। नोवेल की बात करते हैं जो ओल्गा तोकार्कज़ुक, मेरे साथ बोलेगा ओल्गा तोकार्कज़ुक, ओल्गा तोकार्कज़ुक, ओल्गा तोकार्कज़ुक, ओल्गा तोकार्कज़ुक और ओल्गा तोकार्कज़ुक, नाम ये छाप लीजिए, डेफिनेट एक नंबर पक्का है। इनके द्वारा ये नोवेल लिखा गया और इसका ट्रांसलेशन किया गया था जेनिफर क्रॉफ्ट, जेनिफर, जेनिफर क्रॉफ्ट, दो नाम याद रखने हैं, जेनिफर क्रॉफ्ट और जो ओल्गा तोकार्कज़ुक है, इनके द्वारा कह सकते हैं एक के द्वारा लिखा गया है इनके द्वारा और इनके द्वारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था और इसी नोवेल ने जो फ्लाइट्स है इसका नाम है पोलिश नोवेल है, इसके द्वारा कह सकते हैं इस नोवेल के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है। इसके लिए जो टोटल कैश प्राइज मिला वो 67,000 यूएस डॉलर है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, 67,000 यूएस डॉलर है। जब अभी हम एग्जैक्ट प्राइस की डिस्कशन करेंगे तो वहां पर पाउंड होगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये डॉलर में बात करते हैं तो अराउंड 67,000 इसके अंतर्गत प्राइस मिलता है और ये दोनों ही पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, जिसके द्वारा लिखा गया और जिसके द्वारा यहां पर ट्रांसलेशन किया गया। क्या है एग्जैक्टली अवार्ड, चलिए देखते हैं उसके बारे में। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड है जो कि यूके गवर्नमेंट कह सकते हैं होस्ट किया जाता है, यूके के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्डेड है फॉर बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो नोवेल होता है बेस्ट बुक होती है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जो बेस्ट रहती है उसके लिए यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत अगर अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 50,000 pounds लिखा हुआ है। अगर डॉलर्स में देखेंगे तो उसका अमाउंट यहाँ पर 67,000 अराउंड यूएस डॉलर की यहाँ पर बात की जा रही है। बट एग्जामिनेशन के लिए ना प्राइस एग्जामिनेशन में पूछेगा ना कभी ये पूछ रहा कि भाई किसके द्वारा यहाँ पर किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ इतना ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में आता है किस पर्सन को मिला है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जिस पर्सन को मिला है, जिस नोवेल के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है उस नोवेल का नाम क्या है। तो आई होप गाइस यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपके बातें क्लियर होंगी क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये न्यूज क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा हाँ सर क्लियर है। बढ़ते हैं जरा देखते हैं आज के सेशन की वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज। नोटेड उड़िया इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर बंसीधर पंडा हैज पास अवे रिसेंटली, ही वॉज 87। प्रसिद्ध उड़िया उद्योगपति डॉक्टर बंसीधर पांडा का हाल ही में निधन हो गया, वह 87 वर्ष के थे। पॉइंट समझिएगा यहां पर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। ऑबिचरी पोर्शन से एग्जामिनेशन में दो तरीके से न्यूज आती हैं, या तो पर्सन का नाम क्वेश्चन आते हैं, पर्सन का नाम पूछ लिया जाता है, उसका फील्ड पूछ लिया जाए, या यू कह सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द उड़िया इंडस्ट्रियलिस्ट, फेमस उड़िया इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज पास अवे रिसेंटली, उनका मतलब कि प्रोफेशन दे दिया कि हाँ भाई इस फील्ड से ये बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर बंसीधर पांडा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी भी मंथ की ऑबिचरीज रहती हैं उनके पर्सन के नेम, उनका फील्ड और जो पॉलिटिशियन हो उनका स्टेट क्या है उनको प्रोवाइड करने की, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ गाइस, वादा तो नहीं कर रहा क्योंकि लैक ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता, बट कोशिश करूँगा अगर टाइम में कंपाइलेशन हो पाए तो मैं जल्द से जल्द आपको ये प्रोवाइड करूँ। बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे मैंने बोला मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज डेफिनेट एग्जामिनेशन में आएगा, उसी प्रकार इस न्यूज़ की मैं बात करता हूँ 1000% ये भी एग्जामिनेशन में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्निंग में द हिंदू में आई है न्यूज़। पुलित्जर प्राइज विनिंग नोबलिस्ट फिलिप रॉथ हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 85। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार फिलिप रॉथ का हाल ही में निधन हो गया, वह 85 वर्ष के थे। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पुलित्जर प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट फिलिप रॉथ। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था इतनी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं, मतलब कि अगर आप विकीपीडिया पे जाएंगे और इनके बारे में अगर पढ़ेंगे भी तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, इतनी मिलेगी तो आप कहेंगे चलो भाई कुछ नहीं, इनका नाम याद रख लो, इनका फील्ड याद रख लो, वही मोर देन इनफ है। फिर भी द हिंदू में बहुत कुछ आया उसको यहां पर इंक्लूड किया गया, क्या है बातें चलिए देखते हैं। फिलिप रॉथ रिसीव्ड अ पुलित्जर प्राइज फॉर हिज नोवेल अमेरिकन पेस्ट्रॉल। अमेरिकन पेस्ट्रॉल जो उनके द्वारा एक नोवेल लिखा गया था उसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिलिप रॉथ को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था और वहां पर कहा गया वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला था इन फिक्शन। अगर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की मैं बात करूं तो ये गाइज यहां पर की जा रही है कि जो फिलिप रॉथ है
उनको फिक्शन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। दो चीजें तो यहां से भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनती हैं। इसके अलावा हम जरा देख लेते हैं पुलित्जर प्राइज है क्या। पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। प्राइज जो अवार्डेड होता है वो 21 कैटेगरीज में होता है। देखिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो पुलित्जर प्राइज है वह कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 21 कैटेगरीज में। इसमें भी आप बायफरकेट कर दीजिए 20 कैटेगरीज और एक वन कैटेगरी में। क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 20 ऑफ द कैटेगरीज में जो ईच विनर होता है उसे सर्टिफिकेट और $15,000 का कैश अवार्ड मिलता है। उसके अलावा जो एक कैटेगरी है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में जो कि जर्नलिज्म कॉम्पिटिशन की है उसके अंतर्गत गोल्ड मेडल दिया जाता है। मतलब बाकी की 20 कैटेगरी में तो जो दिया जाता है वो दिया जाता है, उसके अलावा जो एक कैटेगरी है पब्लिक सर्विस कैटेगरी उसमें क्या दिया जाता है गाइस, गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब आते हैं जरा न्यूज़ पर दोबारा से। फिलिप रॉथ हैं जिन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था अमेरिकन पेस्ट्रॉल उनके नोवेल के लिए। फिलिप रॉथ को ही लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फिक्शन में, मैनबुकर इंटरनेशनल प्राइज में, मतलब कह सकते हैं मैनबुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था फिक्शन के लिए। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कह सकते हैं लाइफटाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत। अब जरा समझते हैं और बातें इनसे रिलेटेड क्या है। जरा आप देख सकते हैं इमेज में, ये है फिलिप रॉथ, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल गुड बाय रॉथ। यहाँ पर देखिएगा कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि अवार्डेड दी पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 1998 की बात हो रही है जो अमेरिकन पेस्ट्रॉल है। जरा मुझे मिस्टर इंडिया बनाया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मार्क करिएगा गाइस इसे, जो 1998 की बात हो रही है 1998 में इनको एक अवार्ड दिया गया था पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन जो इनका रहा था वो था अमेरिकन पेस्ट्रॉल, जिसकी बात करें तो वो एक अबाउट किसके मतलब किस उस नोवेल में क्या बात की गई थी, अबाउट अ मिडिल क्लास कपल हुज डॉटर बिकम्स अ टेररिस्ट। एक मिडिल क्लास कपल थे, मतलब कि कह सकते हैं पति पत्नी थे, उनकी जो एक बेटी थी डॉटर थी वो एक टेररिस्ट बन गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया और उसी के लिए जो अमेरिकन पेस्ट्रॉल उन्होंने नोवेल लिखा था उसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज से 1998 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं कुछ बातें और आपको यहाँ पर बताऊँ तो एक चीज़ और यहाँ पर है, ही रिसीव्स द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फिक्शन। फिक्शन कैटेगरी में 2011 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के अंतर्गत, और इन्होंने 2012 में तो ये अनाउंस कर दिया था कि विल स्टॉप द राइटिंग इन मतलब कह सकते हैं फिक्शन राइटिंग यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ से 1933 से 2018 के बीच में उनके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें की गई। इसके अलावा कुछ यहाँ पर उनकी कह सकते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर उनके नॉवेल्स हैं जो कि एक तरीके से मूवीज़ में भी आए, उनमें से एक रहा था द पोस्टर्स ऑफ द ह्यूमन स्ट्रेन एंड द हम्बलिंग बोथ बेस्ड ऑन द नॉवेल्स। इनके जो नॉवेल्स रहे थे उनके आधार पर ये कुछ मूवीज़ आई थी, आप देख सकते हैं, मैं आप इसको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा और डिटेल में आपको देखना है। उन्होंने कहा कि भाई कुछ बुक्स थी जिनके द्वारा मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, जो मेरे को बहुत मतलब कह सकते हैं अच्छी लगी थी, उनमें से कुछ जो थी बुक्स ये थी और जो किन किन के द्वारा लिखी गई थी उनमें नेम्स भी मेंशन है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो ये 1998 वाली बात है, 2011 वाली बात इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए 2016 में उन्होंने क्या किया था, वाइल प्लेजिंग टू डोनेट हिज पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ ओवर 3500 वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स टू दी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। उन्होंने अपनी 3500 जो कह सकते हैं किताबें किसको दे दी थी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को दे दी थी। इशूड अ लिस्ट ऑफ 15 वर्क्स दैट इन्फ्लुएंस हिम। यहाँ पर कुछ बातें अलग की गई हैं, इतनी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आई होप गाइस क्लियर होगा, इनका नाम, इनका फील्ड और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि उन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था और 2011 में इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अगर ये चीज़ क्लियर है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए। हाँ सर, यहाँ पर हमारे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं जो आपने नया इंक्लूड किया है, हमें सब कुछ पसंद आया। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू टेक अप द कोलैबोरेटिव रिसर्च ऑन एयर नेविगेशन सिस्टम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय विमानन प्राधिकरण ने वायु नौवहन प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझिएगा जरा, जो एयर नेविगेशन सिस्टम है, एयर नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें रिसर्च के लिए IIT मद्रास के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। अगर एग्जामिनेशन की बात करूं तो दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयर नेविगेशन सिस्टम में रिसर्च करने के लिए यहां पर एग्रीमेंट साइन किया, तो वो है IIT मद्रास, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ स्टैटिक। इसके अलावा कोई भी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं बनती। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट न्यूज है क्या। द MOU प्रोवाइड, इस एग्रीमेंट के द्वारा क्या होगा, क्या यह प्रोवाइड करेगा ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स बाई द IIT मद्रास एक्सपर्ट इन द एरियाज एसेंशियल्स टू कैरी आउट द रिसर्च। बेसिकली कह रहा है यहां पर कि
जो रिसर्च करने के लिए जो एरियाज होते हैं उनमें नॉलेज स्किल्स या कह सकते हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। सरल शब्दों का मतलब ये है कि एयर नेविगेशन सिस्टम को और बेटर करने के लिए आईआईटी मद्रास यहाँ पर सपोर्ट करेगा किसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। यही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ द 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड चेयरमैन इज द गुरु प्रसाद मोहपत्रा। गुरु प्रसाद मोहपत्रा इज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज, एच डी कुमार स्वामी है स्वान इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। एच डी कुमार स्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डी येदुरप्पा की बात करें, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कि जो एच डी कुमार स्वामी हैं उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ दिलाई गई है और वह कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम कौन है, एक और अपॉइंटमेंट रहा था, कर्नाटक असेंबली के स्पीकर भी चुने गए, तो वो सारी बातें क्या हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं। जी परमेश्वरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड के आर रमेश एज द स्पीकर ऑफ द कर्नाटक असेंबली। तो तीन बातें ही याद रखनी है, एच डी कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जी परमेश्वरा याद रखना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एंड के आर रमेश इज द स्पीकर ऑफ द कर्नाटक असेंबली। आई होप गाइस क्लियर होगा यहाँ पर कि यो मैं आपको ऐसा आपके साथ जो न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे स्टैटिक फैक्ट में, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूली अपॉइंट न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द एक्स वाई जेड स्टेट, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका। सो आंसर इज द एच डी कुमार स्वामी। इसके अलावा उस स्टेट से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं तो उनको जरा हम देख लेते हैं। कर्नाटका की बात करते हैं, देखिए अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कर्नाटका ऑलरेडी डिस्कस है क्या है स्टैटिक फैक्ट। अगर माइंड में स्ट्राइक करने लगा है तो भाई मेरा जो एफर्ट है वो सफल हो रहा है। अगर स्टिल अभी भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, जो नए स्टूडेंट है वो आज लर्न करिएगा, जब नेक्स्ट टाइम हम कर्नाटका डिस्कस करेंगे तो मैं चाहूँगा कि मेरे कहने से पहले बहुत सारी बातें आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएँ। चलो बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को एस्टैब्लिश हुआ था कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल की बात करें गाइज बेंगलुरु है। लार्जेस्ट सिटी की बात करते तो गाइज ये भी बेंगलुरु है, समझिएगा जरा, जो लार्जेस्ट सिटी है वह भी बेंगलुरु है, जो कैपिटल है वह भी बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर की बात करें एच डी कुमार स्वामी है और वाजूभाई बाला, जो वाजूभाई बाला है वो डेफिनेटली गवर्नर है और बहुत न्यूज़ में भी रहे हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, एग्जामिनर पूछ ले हु इज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। सो वाजूभाई बाला इज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका इज द 30। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें गाइज वो 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं वह 12 है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका इज द कन्नड़। कन्नड़ इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। वह स्टेट जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसमें गोवा है, महाराष्ट्र है, समझिएगा जरा, गोवा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु और केरला। माइंड में छापिएगा, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यह स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी मैं मैप के थ्रू भी दिखा दूंगा। उसके अलावा गोमेश्वर टेम्पल, वीरूपक्षा टेम्पल और बीलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल। गोमेश्वर, वीरूपक्षा और बीलगिरी रंगनाथ स्वामी जो टेम्पल हैं, ये ऑल थ्री आर लोकेटेड इन दी कर्नाटका। यह तीनों ही कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, इकलौता एटॉमिक पावर स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन पॉइंट नंबर वन कर्नाटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बीलगिरी वीरूपक्षा और गोमेश्वरा, बीलगिरी वीरूपक्षा गोमेश्वरा, ये नेशनल पार्क्स, ये टेम्पल्स हैं एंड ऑल आर लोकेटेड इन कर्नाटका। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़। राज्यसभा सीट हैं 12, लोकसभा सीट हैं 28 और गाइज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा टोटल डिस्ट्रिक्ट की तो वह 30। देखिए नेशनल पार्क तो आने भी लग गया कि अंसी नेशनल पार्क और देखते हैं बनरघट्टा कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पर है। उससे पहले जरा मैप के थ्रू लोकेशन देखेंगे, टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। कर्नाटक की अगर हम गाइज बात करते हैं तो जरा आप फाइंड आउट करिए कर्नाटक स्टेट है कहाँ, साउथ में चलते हैं। वह स्टेट जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका, गोवा है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। समझिएगा जरा दोबारा से, गोवा की बात करें, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। यह स्टेट्स हैं जिनके साथ है कर्नाटका बॉर्डर शेयर करता है। आप देख सकते हैं जो एक क्रॉप किया गया मैप, इसमें भी लोकेशन और यहाँ पर एक जो बड़ा मैप है इसमें भी आप लोकेशन देख सकते हैं कर्नाटक राज्य की। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट। अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, कुछ नहीं याद रखना, ये सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल।
सिर्फ यही दो तीन बार पढ़ दीजिए, याद हो जाएगा, रट जाएगा, माइंड में छप जाएगा, कभी भूल नहीं सकते। मेरे को तो ऐसा लगता है सोते में भी अगर नींद आ रही है ना अंसी बंदीपुर, तो अपने आप माइंड में स्ट्राइक करने लगेगा, हाँ सर अब तो सोते में भी याद रहता है कि भाई अंसी बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल ये नेशनल पार्क एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी कर्नाटका। भद्रा, दंदेली, ब्रह्मागिरी, मुकम्बिका और भीमगढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन कर्नाटका। देखिए करंट अफेयर्स हर कोई पढ़ाता है, स्टैटिक पोर्शन मिस रहता है और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट यही है सर स्टैटिक पोर्शन याद कैसे करें। देखिए इस शो को आप रेगुलर देखते रहिए, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ एक महीने में कम से कम 10 स्टेट से 10 से 12 स्टेट पढ़ेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों याद ऑटोमेटिक होने लगेंगे। बस आप बस इतना किया करिए, मॉर्निंग उठ जाया करिए, सामने इसे चला लिया करिए और देखते रहा करिए, सिर्फ सुनते रहिए। अगर देख भी नहीं पा रहे कान में ईयरफोन लगाया और सुन रहे हैं वही मेरे लिए मोर देन इनफ रहेगा। भद्रा, दंदेली, ब्रह्मागिरी, मुकम्बिका और भीमगढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी कर्नाटका। अब जरा समझते हैं कुछ डैम्स की बात कर लेते हैं। तुंगभद्रा, लिंगा नमक्की और अलमत्ती, तुंगभद्रा, लिंगा नमक्की और अलमत्ती गाइज ये डैम्स एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम की बात करें तुंगभद्रा रिवर पर है, लिंगा नमक्की डैम की बात करें साबरमती रिवर पे है, अलमत्ती डैम की बात करें ये कृष्णा रिवर पे है। दो तरीके से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, डैम्स पूछे जाते हैं वह किस रिवर पे है, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि डैम्स और ये किस स्टेट में है। दोनों ही याद रखना है कि ये तीनों ही डैम लिंगा नमक्की, तुंगभद्रा और अलमत्ती कर्नाटक राज्य में है, और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे है, लिंगा नमक्की डैम साबरमती रिवर पे है, और अलमत्ती डैम की बात करते तो गाइज वह कृष्णा रिवर पे है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो बॉस खुद ब खुद लाइक करते चलिएगा। बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। प्रवीण एल अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। प्रवीण एल अग्रवाल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम इन शॉर्ट भेल भी कहते हैं, के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी पार्ट टाइम कह सकते हैं, एडॉक कह सकते हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बने हैं, वन लाइनर इंपॉर्टेंट बनेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, किसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सो गाइस आंसर इज दी प्रवीण एल अग्रवाल। इसके अलावा जरा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं, क्या बातें यहां पर कही गई हैं। प्रवीण एल अग्रवाल की बात करें, पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर बने हैं पावर इक्विपमेंट मेकर, जो भी ऊर्जा से संबंधित जितने भी कल पुर्जे बनते हैं, जो इक्विपमेंट बनते हैं, उनका मेकर कौन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, उसी के पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में प्रवीण एल अग्रवाल का अपॉइंटमेंट रहा। ये वर्तमान में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, हु इज द मिनिस्टर ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, हु इज द मिनिस्टर, मिनिस्टर का नाम क्या है, प्लस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, क्या वह लोकसभा से सांसद है, क्या वह राज्यसभा से सांसद है, ये सारी बातें आपको मेरे को बतानी है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में ये छोटा सा होमवर्क रहेगा, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस उनका नेम, उनकी बात करें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा, क्या वह लोकसभा से थे, क्या वह राज्यसभा से थे। प्रवीण एल अग्रवाल की बात करें, वह वर्तमान में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, भेल के स्टडी फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के फाउंडेशन ईयर इज दी 1964, 1964, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंपॉर्टेंट मार्क करना। चेयरमैन एमटी की बात, एमडी की बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो अतुल सोबती, अतुल सोबती इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए मुझे नहीं पता अनंत गीते हैं, मैं फिर कह रहा हूं मुझे नहीं पता, पता भी है फिर भी नहीं मैं बता रहा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको गूगल करना है, आपको सर्च करना है, अगर नोट डाउन है तो उसको पेस्ट करना है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में हर किसी को बताना है मिनिस्टर का नाम, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बार चेक करके। जरा बढ़ते हैं देखते हैं और क्या आगे नेक्स्ट न्यूज है। देखिए एक और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मार्क करिएगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ली गई है। स्टेसी कनिंगहैम has been appointed as the president of the New York Stock Exchange. स्टेसी कनिंगहैम को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शी इज अ फीमेल, या फीमेल है, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में। क्या है एग्जैक्ट न्यूज़, क्यों इतनी हाईलाइटेड रही है ये न्यूज़ में, उन सारी बातों को भी चलिए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्क करेगा इसको, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया है स्टेगी कनिंगहैम को एज अ प्रेजिडेंट, मेकिंग हर द फर्स्ट वूमेन टू बी सोल हेड ऑफ द 226 ईयर ओल्ड मार्केट। 226 पुराना जो मार्केट है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी पहली कह सकते हैं फर्स्ट वूमेन यहाँ पर इकलौती हेड बनी है, उनका नाम है स्टेसी कनिंगहैम, स्टेसी कनिंगहैम। देखिए
सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट, भाई इतना इतना क्यों गौर से देखते हो, न्यूज़ पर समझ लिया करो, इतना उनको देख रहे हो तो ना न्यूज़ को देख लो तो याद हो जाएगी, मतलब एक से एक यहाँ पर सबकी सब है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रीवियसली शी वॉज दी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कनिंगम ने यहाँ पर रिप्लेस किया है टॉम फेयरले को, जो टॉम फेयरले हैं उनको रिप्लेस करके ये बनी है फर्स्ट वुमेन सोल हेड ऑफ दी हेड ऑफ दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और इनका नाम है स्टेगी कनिंगहम, स्टेसी कनिंगहम, आई होप याद हो गया होगा, स्टेसी कनिंगहम यहाँ पर इनका नाम है। जरा बढ़ते हैं, जरा समझते हैं चीज़ों को। फाउंडेशन ईयर की बात करते हैं, 1792 17 मई 1792 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरमैन हैं वो गाइज याद रखना है, जेफरी स्प्रीचर, जेफरी स्प्रीचर इज द चेयरमैन ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आई होप याद हो गया होगा आपको, अब तो मुझे लगता नहीं ये न्यूज़ कोई भूल सकता है, दो चार दिन तो दिमाग में रहेगी बिल्कुल कि भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो स्टेसी कनिंगहम है, मेरे को भी याद रहेगा डेफिनेटली अब तो। और अगर फाउंडेशन ईयर की बात करें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तो वो 1792 है, और चेयरमैन की बात करते हैं तो उनका नाम है जेफरी स्प्रीचर, जेफरी स्प्रीचर इज द चेयरमैन ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जरा बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इधर भी कुछ कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज मॉनिटरिंग, राजस्थान सरकार ने रोग निगरानी के लिए निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है का शुभारंभ किया है। इस न्यूज़ की बात करता हूँ, इस न्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या वो मैं आपको बता दूँ, निदान जो सॉफ्टवेयर है वो डिजीज़ की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, क्या है बात है वो भी मैं भी बताऊंगा आपको। उसके अलावा गाइज आपको ये भी याद रखना है यह किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गाइज याद रखना है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज मॉनिटरिंग। चलिए बढ़ते हैं, जरा देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। एक नया सॉफ्टवेयर है निदान हैज़ बीन लॉन्च इन द राजस्थान फॉर प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस मतलब होता है उपचार करना, मॉनिटरिंग ऑफ दी सीजनल जो मौसमी कह सकते हैं बीमारियां, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो कि छुआछूत वाली नहीं होती हैं उनको यहां पर मॉनिटर करने की बात की गई है। निदान विल फैसिलिट ऑनलाइन एंट्रीज ऑफ एज मैनी एज 46 डिजीज के बारे में ऑनलाइन एंट्रीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए उनकी यहां पर प्रोवाइड करेगा सारी के सारी, एक तरीके से कह सकते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि जो ये डिजीज है उनकी मॉनिटरिंग में काम करेगा निदान सॉफ्टवेयर, और यह किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था वो गाइज आपको याद रखना है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक से एक माशाल्लाह यहां पर सभी। चलिए बढ़ते हैं, जरा समझते हैं और चीजों को। स्टैटिक फैक्ट क्या है राजस्थान के, चलिए उस पर आते हैं। राजस्थान का फॉर्मेशन ईयर है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। कैपिटल जयपुर पिंक सिटी, लार्जेस्ट सिटी की बात करें गाइस तो वह जयपुर है, पिंक सिटी इज ऑल्सो दी लार्जेस्ट सिटी, इज ऑल्सो दी कैपिटल ऑफ द राजस्थान। गवर्नर की बात करते हैं कल्याण सिंह इज द गवर्नर, एंड द वसुंधरा राजे की बात करें तो गाइस वह याद रखना है आपको चीफ मिनिस्टर हैं, अभी इमेज में भी वही थी। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज 33, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज 33, झारखंड नहीं है राजस्थान है। राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या गाइस 33 है। अगर बात करें यह स्टेट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है, मतलब कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, सो गाइस आंसर इज द राजस्थान। पॉइंट नंबर टू की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं महाराष्ट्र है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं तो गाइस उत्तर प्रदेश का नाम आता है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें राजस्थान में तो वह 25 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं, 25-10 याद रखना है, 25 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 10 है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है / इंग्लिश है। वेस्ट स्टेट जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात, और वह कंट्री जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है भाई बिल्कुल अपना हमवतन मुल्क की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क की बात करें पाकिस्तान है, उसके साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जरा मैप के थ्रू लोकेशन देखते हैं, टेक्निकल टीम मिस्टर इंडिया बनाया जाए। जरा देखें यहां पर राजस्थान की मैप में लोकेशन, राजस्थान आप देख सकते हैं किन किन स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गाइस, पंजाब है हरियाणा है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है गुजरात है, जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है पंजाब है हरियाणा है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है गुजरात है, ये स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, इमेज में भी देख सकते हैं। और वह कंट्री कौन सी है जिसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसका नाम आपको याद रखना है गाइस पाकिस्तान है, जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक स्टूडेंट मुझे रेगुलर बेसिस पर कमेंट करते हैं कि सर राजस्थान के गवर्नर का देहांत हो चुका है। भाई मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊं अभी एक चीज़ कि कब कहां से आपने ये वाली न्यूज़ पढ़ी हो, उनकी डेथ हो गई अराउंड आप 1.5 मंथ से ये कमेंट कर रहे हैं, बट एक बार रीचेक आप करिए,
पर्सनली मैं कहूंगा एक आरटीआई भी फाइल कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा लगता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कि मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। उनका देहांत नहीं हुआ, वे अलाइव हैं, बिल्कुल वो कह सकते हैं बिल्कुल कुशल मंगल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए, हु इज द गवर्नर ऑफ द राजस्थान, सो गाइस कल्याण सिंह खुद से मत बातें बनाइए। जरा बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क और दर्रा नेशनल पार्क। अब स्टार्टिंग के कीवर्ड उठा लीजिए, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट और दर्रा, ये नेशनल पार्क्स एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी राजस्थान। फिर दोबारा से कहूंगा, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा, ये नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। कुंभलगढ़, बस्सी, सांभर और शेरगढ़, कुंभलगढ़, बस्सी, सांभर और शेरगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी राजस्थान। कुंभलगढ़, बस्सी, सांभर और शेरगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी राजस्थान। उसके अलावा माही वंशवारा एटॉमिक पावर प्लांट इन राजस्थान। विशालपुर डैम जो कि बानस रिवर पे है, बानस रिवर पे वह राजस्थान में है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो पिचोला डैम, पिचोला लेक की बात करेंगे, इट इज एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। पिचोला लेक राजस्थान, कीवर्ड समझिएगा पिचोला, ओनली पिचोला लेक राजस्थान। विशालपुर डैम, विशालपुर डैम की बात करें वह कहां पर है, राजस्थान में। माही वंशवारा एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में। कुंभलगढ़, बस्सी, सांभर और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राजस्थान में। केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा, ये नेशनल पार्क्स हैं गाइस, ऑल आर लोकेटेड इन दी राजस्थान। आई होप यहां तक क्लियर होगा और याद भी होने लगा होगा। बढ़ते हैं जरा, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। वेटरन फिल्म, आज तीन ऑबिचुरी है सेशन में और एक एक ऑबिचुरी इंपॉर्टेंट है। ऑबिचुरी की बात करें, एग्जामिनर कहीं से भी उठा लेता है जब उसका मन करता है। एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऑबिचुरी ये आएगी ये नहीं आएगी, बट इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ तरीके से मार्क करूं तो जैसे कोई व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला है, कोई व्यक्ति जिसे अवार्डी होता है कोई भी, तो उनकी वो पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई व्यक्ति की बात, किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें वह किसी स्टेट का मिनिस्टर वगैरह रहा हो तो वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी तो वो इंपॉर्टेंट है गाइज। इस प्रकार से न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनती है। अब देखिए, इनकी भी पूछा जा सकता है। वेटरन फिल्म एंड थिएटर एक्टर डॉक्टर हेमू अधिकारी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 81। अनुभवी फिल्म और थिएटर अभिनेता हेमू अधिकारी का हाल ही निधन हो गया, वह 81 वर्ष के थे। सिर्फ वन लाइनर न्यूज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डॉक्टर हेमू अधिकारी का भी हाल ही में निधन हुआ। हेमू अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है तो गाइस याद रखना है, ही वॉज दी एक्टर, वह एक एक्टर थे, वह एक अभिनेता थे। आई होप क्लियर होगा, ही वॉज दी एक्टर, वह एक अभिनेता थे। बढ़ते हैं जरा, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसे। अकॉर्डिंग टू दी लैंसेट स्टडी, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 145th अमंग दी 195 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ दी क्वालिटी एंड दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ दी हेल्थ केयर। लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के मामले में, अगर यहां पर हम बात करें तो इस वर्ड को हटाइएगा, गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के मामले में भारत को 195 देशों में 145वें स्थान पर रखा गया। अगर ये जो वर्ड है लैंसेट जो लिखा हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने इस स्टडी को नाम दिया था, एक बेसिकली अगर मैं बात करूं लैंसेट है क्या वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट बेसिकली लैंसेट का मतलब ये होता है जो एक चाकू होता है, जो नाइफ होता है, जो औजार होता है जिसके द्वारा डॉक्टर एट द टाइम ऑफ कह सकते हैं जो ऑपरेशन करते हैं उसमें कटिंग का काम करते हैं। कटिंग मतलब दूसरी कटिंग में मत चले जाइएगा, यहाँ पर काटने पीटने का काम करते हैं, तो उसमें जिसको वो यूज़ करते हैं गाइज, वो होता है एक कह सकते हैं उनका जो औजार होता है, जो नाइफ होता है उसको यूज़ करते हैं, उसको वो लैंसेट कहते हैं। तो उसी के नाम पर यहाँ पर इसको रखा गया था। अब क्या है वो भी डिटेल में समझते हैं, जरा बातों को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज रैंक 145th अमंग दी 195 कंट्रीज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले नोट डाउन करते चलिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा। 145th अमंग दी 195 कंट्रीज इन द क्वालिटी एंड दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ दी हेल्थ केयर बिहाइंड इट्स नेवर लाइक दी चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान अकॉर्डिंग टू दी लैंसेट स्टडी। लैंसेट स्टडी का कहना है कि भारत जो उसके पड़ोसी देश हैं चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, उससे पीछे है। क्या है इनकी रैंकिंग वो भी देखेंगे। इंडिया की रैंकिंग जो रही है वो 145वीं रैंकिंग रही है 195 देशों में, कि जो ये हेल्थ केयर की सुविधाएं होती हैं वह कितने लोगों तक हैं और उनकी क्वालिटी कितनी है, उस बेसिस पर यहाँ पर ये रैंक दी गई है। और इंडिया की रैंकिंग काबिले कह सकते हैं बहुत दूर है, भारत 145वीं पोजीशन पर है। क्या है और बातें जरा वो देखते हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ने भी यहाँ पर एक बात कही थी। देखिए, हाउ एवर यद्यपि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी मेंशन दैट इंडिया हैज सीन इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी सिंस 1990 के बाद से, हालांकि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी का कहना है कि भारत की जो सुविधाएं हैं हेल्थ केयर एक्सेस की बात करें, हेल्थ केयर की सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, तो उनमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि अगर यहां पर कहते हैं इंडियाज इंप्रूवमेंट ऑन द हैक इंडेक्स हैजंट फ्रॉम दी
टू 2016, मतलब कहा है कि 2000 से 2016 के बाद, 2000 मतलब 2000 से स्टार्ट करिए, 2016 तक आप आते हैं तो जो हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बहुत तेजी आई है भारत की तरफ से, मतलब भारत की जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ऑल दो इंडियाज इंप्रूवमेंट ऑन द हैक इंडेक्स हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स हैजंट, मतलब होता है तेजी आना, हैजंट फ्रॉम दी 2016। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह फाइव कंट्रीज जो कि जिनकी सबसे बढ़िया रही हैं, फाइव कंट्रीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इन 2016 वर दी आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कंट्रीज हैं गाइस कह सकते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस क्वालिटी इन 2016 में ये टॉप पर रही हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फाइव तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर सिक्स कंट्रीज का नाम मेंशन किया जा रहा है। टॉप फाइव में मेरे को जहाँ तक लगता है एंड में ये दोनों ही साथ में है बिल्कुल, ईच विथ 95.9। जो फिफ्थ प्लेस पे है वो फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं टॉप, दोनों यहाँ पर कह सकते हैं दोनों ने सेम प्लेस ऑक्यूपाई किया है 95.9 स्कोर के साथ। वर्स्ट कंट्रीज की बात करें, द कंट्री विद द लोएस्ट स्कोर्स वर दी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया, गिनी बिसाउ, ये गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी अलग, गिनी अलग, ये गिनी बिसाउ अलग है, चैड और अफगानिस्तान, ये कुछ देश हैं जिनके अंतर्गत कह सकते हैं जो हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं वो बद से बदतर है, बहुत ज़्यादा डेटियोरेटिंग है। अब जरा आ जाते हैं लैंसेट स्टडी के बारे में, एग्जैक्टली ये है क्या। लैंसेट इज अ वीकली पीयर रिव्यूड जर्नल, मेडिकल जर्नल, जर्नल की बात करें, जर्नल मतलब होता है एक पत्रिका है, जो लैंसेट है एक वीकली पीयर रिव्यूड जर्नल मेडिकल, एक पत्रिका है वीकली पब्लिश होती है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट और बेस्ट नोन जर्नल मेडिकल जर्नल्स, मतलब कि यहाँ पर की जा रही है जर्नल मेडिकल जर्नल, समझना जरा, जनरल मेडिकल, जर्नल मतलब साधारण हो गया और जर्नल मतलब हो गया यहाँ पर पत्रिका की बात की जा रही है, एक पत्रिका है जो कि कह सकते हैं विश्व की ओल्डेस्ट एक मेडिकल पत्रिका है। लैंसेट की स्थापना हुई थी 1823 में वाइज थॉमस वॉकली, थॉमस वॉकली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो एक सर्जन थे, जो कि कह सकते हैं इंग्लिश सर्जन थे, हु नेम्ड इट आफ्टर द सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जरी वह करते हैं, जो कह सकते हैं ऑपरेशन वगैरह जो सर्जरी वो करते हैं, सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैंसेट। आप देख सकते हैं गूगल करके लैंसेट की इमेज क्या होती है, उस लैंसेट के नाम पर ही यहाँ पर इस स्टडी को नाम दिया गया था, लैंसेट स्टडी, और कह सकते हैं इस पत्रिका का भी नाम है मेडिकल से रिलेटेड है, और उसी की स्टडी में भारत की जो रैंकिंग रही है 145th रही है। आई होप गाइस क्लियर होगा, मैंने डिटेल में कोशिश करी है चीज़ों को आपके समझाने की, बिल्कुल माइंड में छप जाए। जरा बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए ये भी क्रॉप की गई है मॉर्निंग सेशन द हिंदू से ली गई न्यूज़ है, नोट फॉर मोबाइल टावर्स इन दी नक्सल हिट स्टेट। इस न्यूज़ को वैसे बेसिकली मैं नहीं इंक्लूड करता, बट कल कैबिनेट की अप्रूवल आई है तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर कहा है इसको इंक्लूड कर लिया जाए। अब समझिएगा जरा क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। कुछ स्टेट होते हैं जिन्हें बोला जाता है कुछ जगह को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज अफेक्टेड, ये देखिए एक कीवर्ड लिखा हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज अफेक्ट, मतलब कि नक्सल प्रभावित वह राज्य है, यहाँ पर 4072 मोबाइल फोन टावर्स को लगाने की बात की जा रही है। जरा क्या है न्यूज़ वो समझते हैं। यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल और वेडनेसडे सैंक्शन द इंस्टॉलेशन ऑफ द 4072 मोबाइल फोन टावर्स इन 10 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट टू इंप्रूवमेंट कनेक्टिविटी, द कॉस्ट पुट एट द 7330 करोड़। फर्स्ट पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया करिए किसी भी न्यूज़पेपर में, ये इंपॉर्टेंट होता पढ़ने के लिए। टोटल 4072 मोबाइल फोन टावर्स को लगाया जाएगा गाइज 10 जो कि नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनमें, इसकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 7330 करोड़ रुपए रहेगी। आई होप क्लियर होगा ये क्या है न्यूज़ यहाँ पर बात की गई है। इस न्यूज़ को एक बार और जरा देखिएगा डिटेल में क्या है, बट मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर अमाउंट है, द कॉस्ट इज पुट एट दी 7330 करोड़, 4072 मोबाइल फोन टावर्स लगाए जाएंगे 10 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट में, मतलब कि वह राज्य जो कि कह सकते हैं गाइज कि मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित राज्य हैं। पहले चरण में कहा गया विच वॉज कम्प्लीटेड इन 2 ईयर्स एगो 2329 टावर्स वर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिनकी कॉस्ट रही थी 3167 करोड़ रुपए, और वह राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। अब न्यू प्लान की बात की जा रही है एम्ड एट प्रोवाइडिंग वॉइस एज वेल एज इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी फॉर सिटीजन इन दी 96 डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उस कनेक्टिविटी को और बढ़िया करने के लिए कि जो वहां पर फोर्सेस भी अगर काम कर रही हैं तो उनके बीच में भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से रहे, चाहे वह मोबाइल फोन्स के माध्यम से रहे, उनको और बेहतर करने के लिए यहां पर ये बात की गई। इस प्रकार की न्यूज़ को फ्रेम करना इतना आसान नहीं रहता और ना ही इतना वो रहता कि क्या न्यूज़ में यहां पर बताया जाए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे आर्टिकल फॉर्म में ही ले आया जाए, आपको बता दिया जाए कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, इसके अलावा चीज़ें आपको
याद नहीं रखनी। बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? एच डी कुमार स्वामी, जी परमेश्वर, के आर रमेश, बी एस येदुरप्पा या वजूभाई बाला। आई होप गाइस क्लियर होगा यहां पर न्यूज। 4054 टावर, 4072 मोबाइल फोन्स, यहां पर टावर्स की बात की गई, यहां पर 4072 टावर्स हैं, एग्जैक्टली 4054 की नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? ये आज का जो सेशन रहा करंट अफेयर्स का, उसके बेस पे कुछ यहां पर क्वेश्चन हैं, जरा देखते हैं राइट आंसर क्या है। एच डी कुमार स्वामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका। जो जी परमेश्वर की बात करें, ये डिप्टी सीएम बने हैं। के आर रमेश की बात करते हैं, कर्नाटक असेंबली के स्पीकर बने हैं। वाई एस येदुरप्पा ने रिजाइन दे दिया था। और वजूभाई वाला की बात करते हैं, ही इज अ गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑथर हैज वॉन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हिज एंड हर नोवेल फ्लाइट्स। किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लाइट के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है? जेनिफर क्राफ्ट, ओल्गा टोकरजुक, अहमद सादवी, हॉन केंग या विजय शर्मा। देखिए, अगर न्यूज नहीं पड़ी होगी तो अगर किसी इंडियन का नेम ऑप्शन में मिलता है तो माइंड हमारा स्ट्राइक वहीं करता है, सबसे पहले हम वहीं टिक लगाते हैं। अगर तुक्का मारने की बात आती है, फ्लुक लगाने की बात आती है, तो याद रखना है विजय शर्मा इज नॉट द पर्सन जिनको कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है। द राइट आंसर इज दी ओल्गा टोकरजुक हैज वॉन दी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर नोवेल फ्लाइट। उनके जो नोवल रहा था फ्लाइट, उसके लिए उनको यहां पर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हेमू अधिकारी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट? हेमू अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? राइटर, एक्टर, पोएट या साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन। लेखक, अभिनेता, कवि या वैज्ञानिक या राजनेता। सो गाइज आंसर इज दी ही वॉज दी एक्टर, वह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, डॉक्टर बंसीधर पांडा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज व्हाट? डॉक्टर बंसीधर पांडा का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर या एथलीट। सो गाइस आंसर याद रखना है आपको, ही वाज दी इंडस्ट्रियलिस्ट, वह एक उद्योगपति थे। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, डॉक्टर बंसीधर पांडा डैश करके उद्योगपति। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज मॉनिटरिंग। किस राज्य सरकार ने रोग निगरानी के लिए निदान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। हरी अब गाइस जरा आंसर बताइए, किस राज्य सरकार के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया? सो आंसर की बात कर लेते हैं, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी निदान सॉफ्टवेयर फॉर डिजीज मॉनिटरिंग। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, विद विच इंस्टीट्यूट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट या टू टेक अप दी कोलेबरेटिव रिसर्च ऑन एयर नेविगेशन सिस्टम। किस संस्थान के साथ भारतीय विमानन प्राधिकरण ने एयर नेविगेशन सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, IIT रुड़की या IIT जोधपुर। सो गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी IIT मद्रास और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंतर्गत एयर नेविगेशन सिस्टम के रिगार्डिंग रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पुलित्जर प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज पुरस्कार विजेता उपन्यासकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? फिलिप रॉथ, एड्रू सीन ग्रेयर, CE मॉर्गन, मार्गरेट बैरवल या लाइला लालामी। ये लैला नहीं है गाइस, लाइला लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है? अरे आप जरा बताइए मेरे को, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेगा, डेफिनेट एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकता है। सो गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी फिलिप रॉथ इज द नेम ऑफ द पुलित्जर प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। बहुत डिटेल में हमने इनके बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। किसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? प्रवीण एल अग्रवाल, राजीव कुमार, सुमन सिंह, विवेक शर्मा या नीता कुमारी। सो गाइज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी प्रवीण एल अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज दी पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, Who has been appointed as the president of the New York Stock Exchange? किसको New York Stock Exchange के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? Stacy Cunningham, Tom Farley, B. Val Subramanian, again Indian name. फिर माइंड में स्ट्राइक करेगा, देखिएगा हमारी अप्रोच यही है, कि इंडियन का नाम मिलता है तो हमारा अट्रैक्शन उस तरफ ही जाता है और हम इसी को टिक कराते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि इनका नाम ना हो। रॉबर्ट बिलिंग और सैनवर्ड, बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी स्टेसी कनिंगम हैज बीन अपॉइंटेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आई होप गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। किस राज्य में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान।
किस राज्य में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? हरी अप गाइज, आंसर बताइए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी इट इज लोकेटेड इन दी झारखंड। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं गाइज, ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट पिचोला लेक इज लोकेटेड? पिचोला झील किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम या मेघालय? सो गाइज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी राजस्थान। इन राजस्थान पिचोला लेक इज लोकेटेड। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम या लखनऊ? समझिएगा जरा, देहरादून, मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम या लखनऊ? सो गाइज, आंसर इज दी नई दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, इन विच स्टेट बनरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? बनरघट्टा, कुद्रेमुख, अंसी, ऑटोमेटिक माइंड में स्ट्राइक करने लगता है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? सो गाइज, आंसर इज दी कर्नाटक। इन कर्नाटक बनरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड? ठीक है, समझिएगा जरा, किस शहर में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? जो पूरा कंप्लीट करिएगा क्वेश्चन को यहाँ पर, कि किस शहर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय लोकेटेड है? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून, लखनऊ या कानपुर? सो गाइज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, इंडिया हैज बीन रैंक्ड व्हाट अमंग द 195 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर? लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के मामले में किस स्थान पर रहा है 195 देशों में? 144th, 145th, 146th, 147th या 148th? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सो आंसर इज दी 145th। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, इंडिया हैज बीन रैंक 145th अमंग द 195 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर। आज हमने कोशिश की है और नई चीजों को इंक्लूड करने की। आई होप गाइस सेशन आपके पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद है प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन में जो चीजें नई इंक्लूड की गई कितनी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई थम्सअप के साथ, स्माइली के साथ आपका कमेंट मैं चाहता हूं, मैंडेटरी है आना। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, व्हाट्सएप करिए, इसकी जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करिए कि वह स्टूडेंट जो कि हमारे साथ मॉर्निंग में जुड़ नहीं पाते वह कोशिश किया करें कि वह पीडीएफ को ही पढ़ लिया करें। अगर पीडीएफ को भी पढ़ते तो भी मोर देन इनफ रहेगा, बट सेशन देखते हैं तो मैं इतना रिपीट आपके साथ करूंगा, इतना रिपीट करूंगा तो आपके माइंड में छप जाएगा, सोते जागते बस एक ही याद रहेगा कि भाई करंट अफेयर और करंट अफेयर। सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर्स लाइव में हमारे साथ जुड़िए 7 o'clock, क्योंकि सक्सेस दूर नहीं। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।